हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल मावसर घर संसार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की भरवा मिर्ची। उसके लिए हमने मिर्ची ले रखी है, धो के साफ करके फिर इसको हम बीच में से चीरे देंगे और इसके सब बीज निकाल देंगे। इस प्रकार हम सारी मिर्ची को चीरे लगा के रखेंगे और हमने आलू उबाल रखे हैं आलू भरने के लिए। इनको हम मैश करेंगे और इसका छोंक लगाएंगे मसाले का। अब हम आलू का मसाला बनाएंगे मिर्ची में भरने के लिए। उसके लिए हम डालेंगे हींग, राई, जीरा और हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर आधी चम्मच, हल्दी चुटकी भर, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। आप मिर्ची डालना चाहें तो डालें। एक चम्मच हम नमक डालेंगे। आधी चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। मसाले को खट्टा मीठा बनाने के लिए हम डालेंगे एक चम्मच शक्कर, आधा कटा हुआ नींबू, मसाले को ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मिर्ची के साथ पक जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। और इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे जिससे कि मसाला बाहर नहीं निकले। इस प्रकार हम सारी मिर्ची भरेंगे। हमारी सभी मिर्चियां भर के तैयार हैं। अब हम इसको गैस पे रखेंगे कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई हमने सेम फ्लेम पे रखी हुई है, उसमें हम सभी एक एक करके सब मिर्चियां जमाएंगे। इसके बाद छोटे 4-5 चम्मच हम तेल डालेंगे। और इसको ढक देंगे, बीच में हम इसको पलटाते रहेंगे। हमें मिर्ची की जगह चेंज करते रहना है, नहीं तो जल जाएगी। हमारी मिर्ची पक चुकी है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसको प्लेट में निकालेंगे। लीजिए, हमारी खट्टे मीठे आलू की भरवा मिर्ची तैयार है। खाने के पहले हम इसके सब धागे निकालेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।